नमस्ते लवली पीपल आउट देयर, आई एम प्रेरणा एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल काशी क्राफ्ट। एंड टुडे आई बी गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक दिस रिपब्लिक डे डेकोरेशंस। इट इज़ वेरी इजी टू मेक, आई होप यू ऑल लाइक इट। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कलर्स पेपर ले लेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, मैं ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ, ग्रीन पेपर से। अभी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, देन वी नीड टू फ्लिप इट एंड फोल्ड। यार हमने पता ये स्कूल में किया हुआ है, अपने क्लासरूम में बैठ के हम ये सब करते थे, इसका फैन बनाते थे इस तरीके से पेपर का। तो हमें बस वही करना है, यहाँ पे पेपर को फोल्ड करना है देन फ्लिप करना है, फोल्ड करना है फ्लिप करना है। मुझे बोलने में भी इतनी मज़ा आ रही है ना, फ्लिप एंड फोल्ड, फ्लिप एंड फोल्ड। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फोल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू फोल्ड इट इन टू इक्वल हाफ्स। अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको फोल्ड कर दूंगी टू इक्वल हाफ्स में, लाइक दिस। एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, इसके मिड पोर्शन को पेस्ट करना है। मैंने तो यहाँ पे डबल साइड टेप का यूज़ किया है, बट यार आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, डबल साइड टेप का यूज़ मत ही करना, फेविकोल का यूज़ करना, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। मुझे बना लेने के बाद पता चली ये चीज़। सो या, अभी मैं इसमें डबल साइड टेप लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें डबल साइड टेप लगा दिया है। फेविकोल को पता है सूखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं डबल साइड टेप का यूज़ किया। नाउ आई एम पील ऑफ इट्स कवर। एंड अब हम इस तरीके से दोनों को पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरीके से लगेगा पेस्ट हो जाने के बाद। इसी तरीके से मैंने ऑरेंज कलर के पेपर से एंड व्हाइट कलर के पेपर से फैन बना लिया था पहले ही। अब हम इसको फ्लैग के कलर्स में अलाइन कर लेंगे, लाइक दिस। यानी कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अगेन मैं इसको डबल साइड टेप से ही चिपका रही हूँ, आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो। ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है ना, आप घर पे लगाओ तारीफ मिलेगी गारंटीड, ऑफिस में लगाओ प्रमोशन हो जाएगा। जस्ट जोकिंग। बट हाँ, ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव है, आप इसको बनाइए, तारीफ तो मिलनी गारंटीड है। एंड ये पेस्ट हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा। अभी मेरे को क्या करना है, हम इस पे लगाएंगे रोप। आप चाहो तो कोई भी रोप यूज़ कर सकते हो यार, कोई भी ग्लिटर वाली रोप आती है आजकल तो बहुत मार्केट में आ रही है, वो यूज़ कर सकते हो, जूट वाली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल वाइट वाली ले ली है। अभी मैं इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। मैंने इसको बना के खुद अपने घर पर लगाया हुआ है,
एंड हमारे बिल्डिंग के बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी बनाओ यार, अपने घर में तारीफें भी मिलेंगी गारंटीड। जब हम इस पर रोप पेस्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी भी इसमें एक कमी है, जैसे कि आप से ना देख सकते हैं, हमारा फाइनल पीस बन के तैयार है। बट अभी मैं इसको और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फोम फ्लावर ले लिया है। आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज फोम फ्लावर ले लिया, मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। एंड सी, इट इज़ रेडी। इस तरीके से बनाए एंड सबका दिल जीते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू ऑल लाइक इट। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप टू इट। एंड प्लीज प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन टू गेट माई ट्रेनिंग वीडियोज फर्स्ट। टिल देन बाय।